हेलो फ्रेंड्स, टैली ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, उसको हम लोग मैन्युअली कैसे एंट्री करेंगे। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सिंपल कैश बुक को टैली में कैसे एंट्री करते थे। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट टैली ट्यूटोरियल सीरीज प्लेलिस्ट होगा, उसके अंतर्गत उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और डिस्काउंट का कॉलम हो, उसको हम लोग मैन्युअली कैसे एंट्री करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीखेंगे। और इसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग टैली में डबल कॉलम कैश बुक की एंट्री कैसे करते हैं, इन सारे चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस अकाउंटिंग टैली डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग वेब डेवलपिंग में मास्टर और एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक मैनुअली कैसे एंट्री करते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक एंट्री करने के लिए हमारे पास मैंने एक नोट्स बनाया है आप लोग के लिए। देखिए, इस नोट्स में है कि डबल कॉलम कैश बुक हमारा मेनली तीन प्रकार के होते हैं, तीन इसका फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट, जिसमें पहला फॉर्मेट होता है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। यानी डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग कैश की भी एंट्री करते हैं और डिस्काउंट। इसके पहले वाले वीडियो यानी हम लोग जो सिंपल कैश बुक पढ़ा था उसमें कैश का ही केवल कॉलम था, इसमें कैश के साथ साथ डिस्काउंट का कॉलम पड़ जाता है, पेमेंट और रिसिप्ट साइड दोनों तरफ। फिर दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक में ही, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम में, जिसमें है बैंक और डिस्काउंट का कॉलम। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कैश बैंक कॉलम। तो ये तीनों हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैश एंड बैंक का कॉलम। देखिए कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम। तो कैश और डिस्काउंट का कॉलम में आप देख रहे हैं हमारा ये जो हमारा रिसिप्ट है, बाएं साइड का जो हमारा कॉलम होता है वह रिसिप्ट होता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो ये हमारा जो रिसिप्ट कॉलम है, रिसिप्ट कॉलम में डेट, पार्टिकुलर, LF, DA मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड, यानी हमें जो डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया यानी छूट दे दिया है अपने कस्टमर को, तो हम उसकी एंट्री डिस्काउंट अलाउड के अंदर करेंगे। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, यानी DA हो गया। फिर हमारा आ गया फिर कैश की एंट्री करेंगे, ये तो हमारा रिसिप्ट साइड का हो गया। और इधर उतने ही सेम चीज़ हमारा पेमेंट साइड में है, तो ये पेमेंट साइड, ये हमारा जो कॉलम है वह पेमेंट साइड है। देखिए पेमेंट साइड, फिर ये इसमें भी पार्टिकुलर LF, DR और कैश। तो यहाँ पे जो हमारा DR है वह D फॉर डिस्काउंट और R फॉर रिसिप्ट, यानी DR का जो फुल फॉर्म है डिस्काउंट फॉर रिसिप्ट, ये हमारा कॉलम है। यानी यहाँ पे जो DA है वो डिस्काउंट अलाउ है और यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट है। तो आगे की अब हम लोग पढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट पेज हमारा ये है और इसमें हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें देखिए पहला एग्जांपल है बैलेंस इन शॉप। यानी हमारे पास बैलेंस है 1 फरवरी को ये 25,000 रुपया। तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट साइड में बैलेंस BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, यानी हमने पिछले महीने में हमारा बैलेंस इतना बचा हुआ तो हमने रिसिप्ट साइड में कैश कॉलम में कर दिया। नेक्स्ट है परचेज टाइपराइटर 12,000 रुपये का टाइपराइटर खरीदा, तो टाइपराइटर खरीदते समय हमें पेमेंट करना पड़ा होगा, तो हम यहाँ पे 3 तारीख को डेट डालेंगे बाई ऑफिस। देखिए हमने जो पेमेंट किया ये 12,000, ये पेमेंट साइड की एंट्री है। नेक्स्ट हमारा है बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने माल खरीदा यानी गुड्स कैश खरीदा, तो खरीदना है तो भाई परचेज है, तो परचेज अकाउंट 5,000। देखिए ये 5 तारीख को बाई परचेज, 5 तारीख को हमने एंट्री कर दिया ये। नेक्स्ट है 7 तारीख को सोल्ड गुड्स इन कैश, हमने माल बेचा कैश में, तो डेट हमारा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे सेल अकाउंट देखिए 30,000 यहाँ पे हो गया सोल्ड गुड्स। नेक्स्ट है पेड टू यशपाल एंड सन्स 6,000, यानी हमारा 10 तारीख को देखिए यहाँ पे इसकी एंट्री है, 6 यशपाल को हम लोग 6,000 पेड कर दिया। अभी सिंपल एंट्री जा रहा है, सिंपल कैश बुक, अभी डिस्काउंट की एंट्री नहीं है जी। परचेज ए टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, अब पर्सनल यूज से हम टाइपराइटर खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये ड्राइंग होगा और इसकी एंट्री पेमेंट साइड में होगा। और 11 तारीख की एंट्री आप देख सकते हैं, यहाँ से ड्राइंग अकाउंट और पेमेंट साइड के यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट हमारी एंट्री है सोल्ड गुड्स,
सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हम लोग कल कर रहे हैं, क्रेडिट है तो हम लोग इसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे। एंड द लिंक टर्म्स है, कंडीशन है, 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 7 डे। अगर 7 दिन में वो 3% अगर वो दे देता है कैश तो हम उसको 3% का डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ से इसकी एंट्री 20,000 है तो इसकी एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट पे है। अगर ये 7 दिन के अंदर दे देता है तो हम इसको कैश बुक में एंट्री करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। 14 तारीख को रिसीट फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउ। हाँ देखिए 9,800 मिला है, 200 रुपया हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो जाहिर सी बात है रिसिप्ट साइड में होगा टू राहुल ब्रदर्स। अब देखिए 200 रुपया का जो अमाउंट है वो डिस्काउंट अलाउ हुआ और ये 9 एट है, ये हमारा डिस्काउंट अलाउ है और ये हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट है। ये आप समझ सकते हैं ये डिस्काउंट अलाउ है और ये डिस्काउंट रिसिप्ट है, तो हमारा ये 9,800। फिर नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट, ये तो हो गया। 16 तारीख को लोन रिपेड, यानी लोन को हमने पेमेंट किया 16 तारीख को, तो पेमेंट साइट में देख लीजिए लोन 7,000 16 तारीख की एंट्री है। नेक्स्ट है कैश परचेज, हमने परचेज कर रहे हैं कैश 17 तारीख को, अमाउंट है 8,000 17 तारीख को देखिए परचेज कर रहे हैं, तैयारी हमारे पास 17 है, अमाउंट हमने लिख दिया। नेक्स्ट है 19 तारीख को रिसिप्ट कैश फ्रॉम मोहन फॉर गुड्स होल्ड ऑन 13 फरवरी को हमने रिसिप्ट मोहन से किया, रिसिप्ट कैश फ्रॉम मोहन फॉर गुड्स एंड सोल्ड 13 फरवरी, यानी 13 तारीख को, यानी जो हमने यहाँ पे बेचा था वो 19 तारीख को कैश किया, 7 दिन के अंदर किया, तो अब हम लोग इसको 3% का डिस्काउंट देंगे। अगर 20,000 का 3% निकालेंगे तो 600 होगा। और इसकी एंट्री देखिए यहाँ पे 19 तारीख की एंट्री यहाँ पे किया गया है, टू मोहन 6,000 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 19,400 रुपया हमने लिखा, क्योंकि 19,400 + 600 20,000 रुपया टोटल होगा। हमने 20,000 रुपया का माल खरीदा, बेचा था, कंडीशन दिया था कि 7 दिन के अंदर वो पेमेंट करता तो हम इसको 3% का डिस्काउंट देंगे। तो ये यानी 19 तारीख को दे दिया, यानी 6 दिन में पेमेंट कर दिया, तो हमने यहाँ पे कैश डिस्काउंट दे दिया। नेक्स्ट है 22 तारीख को पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने दिया, तो भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट है देखिए 500, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम दिनेश यादव एंड डिस्काउंट अलाउ, तो यहाँ से हमने देखिए यहाँ पे यानी रिसिप्ट है, यहाँ पे रिसिप्ट दिनेश लाल यादव एंड यहाँ पे देखिए यहाँ 6,850 और 150 का रिसिप्ट है। नेक्स्ट हमारा है कैश सेल, तो यहाँ पे सेल अकाउंट टू यहाँ से 1500 दे दिया। नेक्स्ट है पेड एस्पाल टू सन 15,000 एंड डिस्काउंट अलाउड भाई 13,725 यानी बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए यानी पेड कैश टू एस्पाल, एस्पाल को इतना दिया 13,750 एंड 250, यानी हमने एस्पाल की एंट्री हम लोगों ने पीछे किया था। तो देखिए ये हमारा ये डेट हमारा अगर हम देखें तो एस्पाल की जो एंट्री है ये पेड टू एस्पाल एंड हाँ हाँ ठीक है 13,750 है और इसकी एंट्री हमारी ये है। और यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट इसको कर लेते हैं, हाँ फिर देखते हैं एस्पाल की एंट्री हो गया 13,750 और यहाँ पर 250 रुपये पेमेंट है। नेक्स्ट है पेड वाटर चार्ज, नहीं रिसीट फ्रॉम अशोक फॉर कमीशन, कमीशन हमें मिल रहा है 26 तारीख को, तो इसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दिया, कमीशन मिल रहा है। पेड वाटर चार्जेस यानी वाटर चार्ज बाई वाटर चार्ज 4,000 यानी 400 पेमेंट कर दिया। फिर है पेड फॉर गो डाउन 28 तारीख को, यानी तो 28 तारीख को कई सारी एंट्री है देखिए, रेंट तो रेंट हमने पेड किया। फिर नेक्स्ट 28 तारीख को बाई जनरल स्टोर क्या है, पेड मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट आप 8,000 की फुल सेटलमेंट में हमने 7,600 पेमेंट कर दिया है, तो 7,600 रुपये में यानी हमारा 8,000 रुपया था 7,600 यानी 400 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है, तो 400 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी ये सामने से अब आप ये क्वेश्चंस के अगर एंट्री आप जोड़ के देखें तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। और यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल रिसिप्ट हमारा जो ये कॉलम है रिसिप्ट साइड का, ये हमारा टोटल रिसिप्ट हुआ 1,00,000 और 1,00,000 ये देखिए इतना रिसिप्ट हुआ, 9,500 का डिस्काउंट अलाउ हमने किया क्योंकि ये कॉलम हमारा अलाउ का है और यहाँ पे ये अलाउ है
और यहाँ पे जो है ये डिस्काउंट रिसिप्ट है। तो और इस साइड को हमने जोड़ा तो टोटल पेमेंट हमारा हुआ है 73,500। अब इन दोनों अमाउंट को और इस अमाउंट को घटाएंगे तो हमारा बैलेंस सीडी निकल के आएगा 33,300। देख लीजिए यहाँ पे अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो देखिए 1,07,050 और ये अमाउंट दोनों बराबर होगा और ये नेक्स्ट मंथ में हमारा बैलेंस बीडी के रूप में चला जाएगा 13,330। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट के कॉलम की एंट्री कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।